हेलो ऑल, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद फन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पिता पर आसान निबंध। करीब 250 शब्दों में हिंदी में इसे लिखा गया है और खासकर बच्चों को ध्यान में रखकर इसे लिखा गया है ताकि बच्चों के लिए इसके आसान शब्दों को याद करना और लिखना ईजी हो सके। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पिता। मेरे पिता दुनिया के सबसे प्यारे पिता हैं। वो मेरे सच्चे हीरो, पक्के दोस्त, मेरी प्रेरणा और अभी तक देखे मेरे जीवन के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जो स्कूल जाने के लिए तैयार होने में, बिस्तर से सुबह उठने में और अच्छे से मेरा गृह कार्य पूरा कराने में बहुत मदद करते हैं। वो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं और मेरी माँ को दोपहर में ये जानने के लिए फ़ोन करते हैं कि क्या मैं अपने सही समय पर घर पहुँच गई हूँ कि नहीं। वो बहुत तंदुरुस्त, स्वस्थ, खुश और समयपालक व्यक्ति है। वो हमेशा सही समय पर ऑफिस जाते हैं और हमें भी स्कूल सही समय पर जाने के लिए सिखाते हैं। वो हमें जीवन में समय का मूल्य सिखाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई अपना समय खराब करता है, समय उसका जीवन नष्ट कर देता है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे पड़ोसियों को उनके मुश्किल समय में मदद करते हैं। वो हमेशा मेरी माँ को बहुत प्यार, देखभाल और सम्मान करते हैं तथा कभी उनसे झगड़ा नहीं करते हैं। वो हमेशा उनका साथ देते हैं और उनकी बीमारी के समय किचन में कई बार मदद भी करते हैं। वो मेरे दादा दादी को बहुत प्यार और इज्जत करते हैं और हमें उनका ध्यान रखना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि बूढ़े लोग ईश्वर की तरह होते हैं, हमें उनका ध्यान, सम्मान और प्यार करना चाहिए। हमें मुश्किल समय में बूढ़े लोगों की कभी अनदेखी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये समय हर एक के जीवन में आता है। वो हमें कहते हैं कि अपनी परिस्थिति के अनुसार पूरे जीवन भर सभी आयु वर्ग के ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। वो हर दिन 15 मिनट हमें अच्छी आदतों और नैतिकता के बारे में बताते हैं। लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी, क्या कहूँ उस पिता के बारे में जिसने सोचा नहीं कभी खुद के बारे में। पापा, आपने मुझे ज़िंदगी भर दिया है, आपका तहे दिल से बेहद शुक्रिया है। थैंक यू। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।